हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब फ्रेंड कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे। राधे राधे। लड्डू गोपाल कोना काल ऐसा चड्डी डाल के सुलवाया है, कपड़ा वगैरह नहीं डाला और ऊपर से चादर भी नहीं डाला है। गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा है। कल से तबीयत मेरा ठीक ही नहीं है, बहुत लेट करके सोई है, 2 बजे के बाद ही नींद आया। कल सिलाई का भी काम कर रही थी तो सूता का डब्बा वगैरह हॉल में ही छोड़ के गया है। सुबह गैलरी में बैठना बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा हवा भी आता है, लेकिन बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। आज निशा को ऑफिस जाना है और बिट्टू को भी ट्यूशन जाना है, तो चलिए खिड़की वगैरह खोल के थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। सुबह का जो काम रहता है उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाना है। नींद ना बहुत ही लग रहा है क्योंकि 2 बजे के बाद ही मुझे नींद आया है। गर्मी इतना ज़्यादा है, दिन में ना 3 बार नहाना पड़ रहा है। सुबह उठ के एक बार नहाती हूँ, फिर काम हो जाने के बाद एक बार, फिर शाम को सोने से पहले। और सुबह सुबह सब काम होने के बाद ना मतलब नहा के जब बैठती हूँ ना, ऐसा लगता है अभी शाम को एकदम मतलब डिनर बनाने के लिए जाऊँगी किचन में। किचन में जाने के लिए मन नहीं होता है ऐसा, तो घर में भी काम कर रही, पंखा चालू है, फिर भी इतना पसीना छूट रहा है। सच में सुबह भी इतना ज़्यादा गर्मी है, अभी मुंबई में शायद इस साल ही ज़्यादा गर्मी गिरा है, पता नहीं, मतलब हर साल ऐसा लगता है जो इस साल ज़्यादा गर्मी है, लेकिन क्या पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस साल ही ज़्यादा गर्मी गिरा है। और आज ना निशा थोड़ा सा लेट करके जाएगा, बाकी बिट्टू का तो टाइमिंग एक ही है। आज सबके लिए ब्रेकफास्ट एक ही जैसा बनाना है। मैं ना निशा को ज़्यादातर टिफिन में चावल ही देती हूँ क्योंकि उसको चावल ज़्यादा पसंद है। रोटी पराठा पूरी उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं। और इतना ज़्यादा गर्मी है, अभी किचन में ज़्यादा टाइम खड़ा होने के लिए भी नहीं मन होता है। आज ब्रेकफास्ट में पराठा और आलू कतली, और टिफिन में देने के लिए फ्लावर और सोयाबीन का सब्जी बनाना है। आलू कतली का सब्जी ना बहुत स्वादिष्ट है और एकदम इजी भी है। ऑलरेडी मेरा चैनल में है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इस टाइप का पराठा खाने में बहुत स्वादिष्ट है। 2 साइड अच्छे से मीडियम और स्लो करके सेक लेने का, उसके बाद ऑयल से अच्छे से फ्राई करने का। जितना ज़्यादा क्रिस्पी होएगा ना उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साइड डिश का तो ज़रूरत ही नहीं है, चाय के साथ ऐसा डिप करके भी खा सकते हैं। इतना सारा पराठा बनाया, गर्मी में किचन में खड़ा होने के लिए नहीं होता है, ऊपर से इतना पराठा बनाना पड़ा। सच में मैं ना पसीना में पूरा मेरा नहाना हो गया है। ऐसा चपाती बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन पराठा बनाने में थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा लगता है। वो लोग ना चला गया तो अभी हम दोनों चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद लंच का प्रिपरेशन करूँगी। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं। इस टाइम पे ना इतना फ्रेश पालक बहुत ही कम मिलता है, पत्ता भी छोटा छोटा है और एकदम कौला भी है। बैंगन भी नहीं है, पापड़ी भी नहीं है, मैं ना कैरेट और पोटैटो के साथ ही बनाऊँगी। फ्रिज खोल के देखा, अदरक जीरा का पेस्ट भी नहीं है, तो मैं मसाला कुछ भी नहीं डालूँगी। 5 फोड़न तेज़पत्ता और सूखा मिर्ची से ही बनाऊँगी, सूखा बनाऊँगी। खाने में बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा सा तो शक्कर ऐड करूँगी। कभी कभी ना बिना मसाला का भी सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। और ये पालक इतना कौला है, सच में कुछ मसाला का ज़रूरत भी नहीं होएगा।
गर्मियों में पौधा को ना हफ्ते में एक बार शावर करेगा ना तो पौधा बहुत अच्छा रहता है। मेरा तो होता नहीं है हफ्ते में एक बार, क्योंकि पॉट बहुत ही वजनदार है, मुझे उठा के लेके जाना लेके आना ये सब करना पड़ता है। हेल्प करने के लिए तो है नहीं कोई। मेरा एक व्यूअर्स ने पूछा है लड्डू गोपाल का जो स्नान का पत्र है मैं कहाँ से ली है। मैं मुंबई कासार चल से लिया है ये। मुझे ना थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, लेकिन इससे बड़ा तो मुझे मिला नहीं है। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता ना तो और भी अच्छा होता था। मेरा गुप्पू का तो एकदम छाती तक पानी है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माधव का ना कमर तक ही है, तो थोड़ा सा बड़ा होता और डीप होता ना तो उसका भी छाती तक हो जाता था। और गोपू को ना नीचे कुछ तो सपोर्ट देके थोड़ा ऊंचा करना पड़ता था, तो उसके लिए परफेक्ट है ना गोपू, उसको तो बहुत मज़ा आता है। मेरा वही व्यूअर्स ने पूछा है मेरा हैंडबैग मैं कहाँ से लिया है। मैं ना भुलेश्वर मार्केट से ली है, बहुत अच्छा क्वालिटी वहाँ पे मिलता है और प्राइस भी रिजनेबल है। इससे पहले भी मैं लेके आई थी, बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, कैसा भी करके यूज़ करो 2 साल से ऊपर जाता ही है। और ये देखिए मेरा लड्डू गोपाल श्रृंगार करके बैठ गया है, और ये फूल ना मैं कल योगा क्लास से आने के टाइम ही लेके आई। रोड साइड में वो फूलों का पौधा है तो मैं 2-3 लेके आई, और आज ना योगा क्लास में अकेली थी, आज मेरा जो फ्रेंड है वो नहीं गया है। और अकेला अच्छा भी नहीं लगता है करने में। हमारा बिल्डिंग का कलरिंग का काम हो गया है, अभी बाम्बू खोल रहा है तो मुझे घूम घूम के जाना पड़ रहा है। अभी जाके ना पौधा वगैरह सब गैलरी से अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि चूहा की वजह से बाहर रख भी नहीं सकते। 2-3 दिन मतलब सार करने के बाद 2-3 दिन गैलरी में रखेगा ना, थोड़ा अच्छे से धूप लगेगा तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और ये प्लांट को क्या हो गया पता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पत्ता सूख गया है, तो मैं अभी सब सूखा हुआ पत्ता निकालूंगी। आज ना खाद दिया है, सार देने के बाद खाद दिया है, देखते हैं। बाहर रहता था ना तो अच्छा होता था, लेकिन चूहा की वजह से वो भी नहीं कर सकती। तुलसी का पौधा ही मुझे डेली बाहर करना पड़ रहा है, फिर शाम को टाइम अंदर करना पड़ रहा है। और बिट्टू को ही बोल रही हूँ मैं अंदर रख दे, क्योंकि बहुत ही वजनदार है। पहले ना गैलरी में बैठती हूँ तो 1 घंटा कैसा निकल जाता था पता भी नहीं चलता था, इतना ज़्यादा पौधा था, उसका केयर करने में मुझे टाइम चला जाता था। मनी प्लांट का जो सूखा हुआ पत्ता वो तो निकल दिया है, अभी रख देती हूँ मैं। और दियावती करने का भी टाइम हो गया, झाड़ू वगैरह लगाना है। दियावती हो गया और अभी भोग में आम और दूध लगाया। मेरा ज़्यादातर दूध और फ्रूट स्वीट्स ये सभी रहते हैं, और अभी आम का सीज़न है ना तो ज़्यादातर आम ही भोग में चढ़ाती हूँ। फर्शन वगैरह है मैं 4 बजे चढ़ाती हूँ। अभी तो दियावती किया है, अभी चाय नाश्ता नहीं खा सकते, तो थोड़ा टाइम बेल्कोनी में बैठूँगी और हल्का सा हवा भी चल रहा है तो मैं लाइट्स वगैरह बंद करके बैठी हूँ, क्योंकि लाइट्स में थोड़ा सा तो गर्मी लगता ही है।
और ये पीपल का वृक्ष देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जूना जो लीव्स है सब झड़ गया है, अभी नया लीव्स है, इसका कलर ना बहुत ही मस्त है। थोड़ा टाइम बैठूंगी, उसके बाद चाय नाश्ता खाना है। दोपहर का सब्जी है, उसके साथ चपाती बना के खाना है, क्योंकि शाम को चपाती है। तो मेरा तो इस टाइम पे डिनर हो जाता है, तो मैं चपाती सब्जी और चाय पीऊँगी। बिट्टू चपाती के साथ चाय खाएगा, लेकिन निशा को नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी सुबह उसको टिफिन में पराठा दिया था, उसको ना चाय के साथ ऐसा पापड़ी कचौड़ी और बिस्किट वगैरह अच्छा लगता है। तो चलिए मैं तो सब्जी के साथ खाऊंगी, और सब्जी बोलेगा तो बच्चे लोग के लिए सुबह बनाया था वही है, फ्लावर और सोयाबीन देके एक सब्जी बनाया था, मैं उसके साथ खाऊंगी। लेकिन बिट्टू को ना चाय के साथ पराठा ही अच्छा लगता है, चपाती बोलिए वो अच्छा लगता है, उसको सब्जी के साथ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी वो सब्जी खाता नहीं है, लेकिन अभी ट्यूशन में जाता है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। उसको चपाती पसंद है, लेकिन सब्जी पसंद नहीं है। और पालक का सब्जी वो लोग ना, मैं जिस टाइप का बनाया था नहीं खाते, वो लोग पालक पनीर खाते हैं। तो बिट्टू को तो मतलब सब्जी मुँह में लगना नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।